ये सबसे पहले तो इसको आप दिल्ली का बिल ना कहिए, ये संविधान की रक्षा का सवाल हो गया है, लोकतंत्र बचाने का सवाल पैदा हो गया है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इससे पहले उन्होंने किया, सेंट्रल सरकार ने किया, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, महाराष्ट्र में देख लो क्या किया, और गोवा में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, उनको आदत है ये। अगर खुद नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन से जीत लो, दूसरों के खरीद लो, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लो, फिर जीत जाओ, कहो जी लोगों का फतवा है। अगर वो वाला काम भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हैं कि खरीद नहीं सकते, तो फिर दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ले आओ कि उसकी शक्तियाँ छीन लो। अभी लोकसभा में बिल पेश हो रहा, जब जिस दिन हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि जो दिल्ली है ये विधानसभा भी नहीं है, यूटी भी नहीं है। अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो 2015 में किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों लाना था फिर, जब विधानसभा ही नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों होगा फिर वहां पे? अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो गृह मंत्री साहब 2020 में डोर टू डोर पर्चे क्यों बांट रहे थे वोटों के लिए? इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है फिर? अगर चुनी हुई सरकार और इतने बड़े मैंडेट से चुनी हुई सरकार, उसको आप काम नहीं करने दोगे, वो फैसला नहीं ले सकते। मतलब इस बिल में ये भी है, चपरासी भी बदलना होगा ना दिल्ली का, तो प्रधानमंत्री जी बदलेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी को देश के बारे में सोचना चाहिए, विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े बड़े काम है। दिल्ली के चपरासियों को तो छोड़ देना, वो केजरीवाल कर लेगा ना, इनके नाम पे नहीं। मतलब आप चुनी हुई सरकार को कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, हम करेंगे, ये तो फिर अच्छा। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के मैंडेट से, 5 जजों का बेंच था, 5 ने ही कहा कि हाँ चुनी हुई सरकार को ये हक होना चाहिए, उसको भी आप नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके आते हो बिल के, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, और कब लाते हो? टाइमिंग देखो, 11 मई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरा एक हफ्ता 18 मई को 8 बजे ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि 18 मई को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, तो जुलाई 1st वीक में खुलनी थी। उनको पता था अगर 12 को 13 को लाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, दोबारा स्टे ना मिल जाए। तो ऐसी मैनेजमेंट, क्या हमने मैनेजमेंट करने के लिए इनको चुना है? कहाँ गया वो 15 लाख? आपके खाते में तो आ ही गया होगा। किसी के खाते में आया है? नहीं आया ना, पूछ लो। पंजाब का तो मैं जिम्मेदार लेता हूँ हर खाते की, कि यहाँ तो नहीं आया जी। कहाँ गया वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहाँ गया वो मतलब किसानों की आय दुगनी कर देंगे? तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।